नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी का पेंशन लिस्ट कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप गूगल पे चले आइए और वहाँ पे टाइप कर दीजिए आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ का नाम। तो हम यूपी से हैं तो यूपी टाइप कर देते हैं, यूपी, उसके बाद पेंशन लिस्ट, यूपी पेंशन लिस्ट टाइप करने के बाद आप सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब सिंपल से आपको करना क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का लिस्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया है वृद्धा पेंशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का पेंशन का ऑफिशियल लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से लिखा गया है वृद्धा पेंशन, यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन की स्थिति जानें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है पेंशनर सूची। तो आपको पेंशनर सूची देखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं, पेंशनर सूची 19-20, पेंशनर सूची 2018-19। तो हमें 2019 का चेक करना है तो सबसे ऊपर वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आप गाँव सिलेक्ट कर देंगे तो आप यहाँ आपके सामने आपके गाँव में जितने भी पेंशनर होंगे उनका आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे गांव में 50 लोग पेंशन पाते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं लिखा गया अहमद हुसैन, पिता का नाम अब्दुल गफ्फार, और यहां पे उनका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट, एड्रेस, और यहाँ पर उनकी धनराशि जितनी आई है 1500 रुपये आई है, आंध्रा बैंक में आई है, अकाउंट नंबर यहाँ दिखा रहा है, और पेमेंट रिलीज। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके गाँव में किस किस व्यक्ति को पेंशन मिलता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।